सो हेलो गेमर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो में बात करेंगे कि फ्री फायर की जो कस्टम एचडी है वो फ्री फायर मैक्स में कैसे ला सकते हैं। क्योंकि गाइस, मैं फ्री फायर मैक्स की बात करूं तो क्योंकि आज के टाइम पे तो गाइस यार फ्री फायर मतलब अब नामात्र ही बंदे खेलते हैं, क्योंकि फ्री फायर मैक्स आ गए हैं। फ्री फायर जो है अब प्ले स्टोर पे अवेलेबल नहीं है, फ्री फायर मैक्स अवेलेबल है। सो गाइस, इस चक्कर में बहुत सारे बंदे फ्री फायर नहीं खेलते, कुछ ही बंदे फ्री फायर खेलते हैं। सो गाइस, दिक्कत रहती है सेटिंग की, जो अपनी कस्टम हेड होती है, कस्टम एचयूडी, कस्टम हेड जो भी बोले उसको। सो गाइस, वो मतलब सेम बहुत ही मुश्किल से हो पाती है। और बहुत सारे बंदे तो फ्री फायर मैक्स इसलिए नहीं खेलते हैं क्योंकि उनको कस्टम एचडी की दिक्कत रहती है, कस्टम हेड मेरी सेम नहीं हो पाएगी। एंड यार, परमानेंट आप ही लोग मान लीजिए 6 महीना, 1 साल या 1.5 साल से एक ही सेटिंग पे खेलते हैं। सो गाइस, दूसरी सेटिंग पे आप लोग नहीं खेल पाते होंगे। वही चीज़ यार इसमें भी फॉलो होती है कि यार फ्री फायर के बंदे फ्री फायर मैक्स में इसलिए जाना पसंद नहीं करते कि उनको सेम सेटिंग नहीं मिल पाती है। सो गाइस, लेकिन अब तो एक ये यार ये अब जाना ही पड़ेगा, मजबूरी है। तो गाइस, क्या करना पड़ता है, आप लोग सेम सेटिंग देख सकते हैं, जैसे आप लोग ये फ्री फायर की सेटिंग है। सो ये फ्री फायर मैक्स पे आप लोग सेटिंग कैसे ला सकते हैं, आज के बाद इसी टॉपिक पे बात करेंगे, फ्री फायर मैक्स में आप लोग कैसे अपनी सेटिंग ला सकते हैं। सो उसके लिए गाइस, आप लोगों को ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी है, सिर्फ अपलोड एंड डाउनलोड का सिस्टम है, वो भी आप लोगों को बताऊंगा कैसे है। सो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे कि अब फ्री फायर अपडेट, अगर आप लोग यार फ्री फायर अभी भी काफ़ी सारे बंदे खेलते हैं, बट यार फ्री फायर जैसे अपडेट आ जाता है तो यार उसको अपडेट नहीं कर सकते, आप लोगों को डिलीट करके फिर से फ्री फायर डाउनलोड करना पड़ेगा। सो यार, इसीलिए सारे बंदे अब फ्री फायर मैक्स की ओर आ चुके हैं। सो गाइस, आप लोग को देखो, मैं सबसे पहले बताता हूँ फ्री फायर, जैसे आप लोग ओपन करते हैं, देखा फ्री फायर यार जो इसकी सेटिंग है, आप लोग को फ्री फायर जैसे ओपन हो गया, आप लोग को इसकी सेटिंग दिख रही होगी, पूरी सेंसिटिविटी सेटिंग दिख रही होगी। अगर आपको फ्री फायर मैक्स में इसकी सेटिंग चाहिए तो आप लोग को बेसिक पे जाना है। बेसिक पे जाने के बाद आप लोग को एक अपलोड का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको अपलोड के ऑप्शन पे आना है, और आप लोग को अपलोड के ऑप्शन पे जो दिख रहा है आप लोग को अपलोड करना है। इससे गाइस क्या होगा कि अगर आप लोग ये अपलोड कर लेंगे तो गाइस, जैसे फ्री फायर में आप लोग को अपने सेटिंग अपलोड कर ली है। सो गाइस, आप लोग को बाई चांस अगर फ्री फायर मैक्स खेलना है, सो गाइस ये रहा फ्री फायर मैक्स, और फ्री फायर मैक्स में आप लोग को कुछ भी नहीं करना है, बस वहीं पे सेम सेटिंग के ऑप्शन पे आप लोग को जाना है, ठीक है। ये फ्री फायर मैक्स की आईडी सेटिंग के ऑप्शन पे आप लोग को जाना है। आप लोग को बेसिक दिख रहा होगा एक ऑप्शन, बेसिक पे आप लोग को जाना है। बेसिक पे जाने के बाद आप लोग को डाउनलोड पे क्लिक कर देना, ठीक है। जैसे आप लोग डाउनलोड पे क्लिक कर देंगे तो आप लोग को सेम कस्टम हेड मिल जाएगा, मतलब सेम आप लोग की जो फ्री फायर की कस्टम एचडी, यानी कि आप लोग की सेम सेटिंग थी, वो सेम सेटिंग आप लोग को फ्री फायर मैक्स में मिल जाएगी। गाइस, आप लोग को मैं अभी दिखा रहा हूँ, जैसे सेम सेटिंग मिल जाएगी, आप लोग जैसे डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करोगे आप लोग को पूरी सेम सेटिंग मिल जाएगी, कस्टम हेड आप लोग का एकदम सेम हो जाएगा। सो गाइस, यही है एकदम ओपी ट्रिक जो अपलोड एंड डाउनलोड का सिस्टम होता है। सो गाइस, इसी तरीके से आप लोग फ्री फायर में मैक्स में अपनी सेटिंग ले सकते हो। सो गाइस, इसका फायदा क्या है गाइस, आप अगर आप लोग अपलोड पे हमेशा रखते हैं, सो गाइस आप लोग के मोबाइल से कभी भी गेम डिलीट होता है तो आप लोग जब भी अपनी आईडी ओपन करोगे, सो बस आप लोग को सिर्फ डाउनलोड कर देना है, सेटिंग पे जाके आप लोग डाउनलोड कर देंगे, सो आप लोग को सेम सेटिंग मिल जाएगी आप लोग की। सो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर वीडियो की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता है, एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड लव यू ऑल सब्सक्राइबर्स।